गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रुप फॉर्मेशन इन एरोबिक्स। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन। अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन पैटर्न शेप और डिजाइन ऑफ स्टैंडिंग पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इन ए ग्रुप बिफोर स्टार्ट द एरोबिक्स वर्कआउट कॉल फॉर्मेशन। इट कैन बी ए वी डब्ल्यू और जेड शेप। एरोबिक्स वर्कआउट करने से पहले जो स्टैंडिंग पोजिशन होती है इंडिविजुअल की, किस तरीके से खड़ा करना है उनको, कहाँ पर खड़ा करना है और किस प्रेजेंटेशन वे में वो खड़े हों, वो आपकी ग्रुप फॉर्मेशन है। फॉर्मेशन करने से पहले कुछ क्राइटेरिया आपको सेट करना होता है। द फर्स्ट क्राइटेरिया वुड बी यू नीड टू फाइंड आउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन यू हैव। 3, 5, 7, 10, 15 हम जानते हैं, जैसे 2 के ऊपर जाता है वो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ पीपल यू हैव यू कैन मेक द फॉर्मेशन। आपके पास स्मॉल ग्रुप है, मीडियम ग्रुप है या लार्ज ग्रुप है, इन हर एक ग्रुप के आपकी फॉर्मेशन स्पेसिफिक हो सकती है, वही आपके आगे हम चैप्टर में करेंगे। सेकंड क्राइटेरिया वुड बी यू नीड टू सेट द फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द विजुलाइजेशन फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर साइड और एज वेल एज फ्रॉम द स्टूडेंट साइड। दोनों आसानी से देख सकें एक दूसरे को, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मेशन सेट करेंगे। क्यों देख सकें? ताकि वो आसानी से ऑब्जर्व कर सकें, करेक्ट कर सकें और इफेक्टिव फीडबैक के थ्रू अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। तो वो फॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और क्राइटेरिया है, इसके बावजूद ही आप फॉर्मेशन बनाएंगे। द थर्ड क्राइटेरिया यू नीड टू क्लासिफाई द ग्रुप। आप ग्रुप भी कुछ इस तरीके से फ्रेम करेंगे ताकि उनकी यूनिफॉर्मिटी आपस में बनी रहे। मीन्स अकॉर्डिंग टू देयर वीकनेस और स्ट्रेंथ। बिगनर्स का अलग, आपका लेमैन जो है उनके लिए अलग ग्रुप है, एडवांस के लिए अलग ग्रुप बना सकते हैं आप। जो बहुत टॉल है उनके लिए अलग हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा मोटापे में है, बहुत हैवी है, उनके लिए आप अलग ग्रुप बना सकते हैं। टॉलर के लिए अलग, शॉर्ट के लिए अलग, ओल्ड एज पीपल का अलग ग्रुप बना सकते हैं, यंग पीपल के लिए अलग ग्रुप बना सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग और स्पेसिफिक पॉपुलेशन के लिए एक अलग ग्रुप बना सकते हैं। उनकी फॉर्मेशन भी आप उसी के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया है कि यू नीड टू एक्सप्लोर द स्पेस। जो स्पेस आपके पास दिया हुआ है आप उसको पूरा एक्सप्लोर करें, यूटिलाइज करें उसको, फ्री मूवमेंट ध्यान रखें। आप जो मूवमेंट आप करेंगे, जो भी स्टेप्स आप करेंगे, वो आपस में टच ना हो किसी को, नो रिस्ट्रिक्शन और टच विद अदर मेंबर। उससे क्या होगा, डिफिकल्टीज होगी, इंटरेस्ट कम होगा, प्रॉब्लम होगी, स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो एक अच्छी एफिशिएंसी और मूवमेंट निकलनी चाहिए वो निकल नहीं पाएगी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे जब फॉर्मेशन आप बना रहे हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट क्राइटेरिया कि यू नीड टू फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ एक्टिविटी यू आर गोइंग टू परफॉर्म। अगर फ्लोर एरोबिक्स है तो उसकी फॉर्मेशन अलग होगी, अगर वो स्टेप एरोबिक्स है तो उसके लिए आपने स्टेपर अलग रखने होंगे, क्योंकि स्टेपर एक ऐसी पोजिशन पर रखे जाएंगे जहाँ पर किसी को डिस्टर्बेंस ना हो और वो आसानी से वर्कआउट भी कंप्लीट कर सके। सिमिलरली वेट एरोबिक्स के लिए अलग और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इनके लिए भी फॉर्मेशन अलग सेट किया जाएगा। लास्ट जो क्राइटेरिया है, वैसे तो पहला होना चाहिए थे कि यू नीड टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रुप का। सबको ही जनरल फिटनेस करना है तो उनके लिए कॉमन फॉर्मेशन की आराम से दिख सके, सबको स्टेप एरोबिक्स करना है तो उनके लिए फॉर्मेशन अलग, सबको कार्डियो करना है उनके लिए फॉर्मेशन अलग। कुछ लोग फॉर्मेशन को एज ए प्रेजेंटेशन भी यूज़ करते हैं। बहुत टाइम पहले आपने देखा होगा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोट कर रहे थे फिटनेस को, एरोबिक्स को। इफ यू रिमेम्बर कनॉट प्लेस में हर संडे एक राहगिरी, एक बॉडी है जो एरोबिक्स को प्रमोट करते हैं। आप देखेंगे स्टेज पर जिस तरीके से वो लोग खड़े होते हैं उनकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन होती है, वो दिख जाता है कि हाँ ये प्रोफेशनल वर्कआउट कर रहे हैं। इफ यू रिमेम्बर कुछ टाइम पहले हमारे खुद के कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स डे पे भंगड़ा एरोबिक्स परफॉर्म हुआ था, उस भंगड़ा एरोबिक्स में भी हमारे इंस्ट्रक्टर ने बहुत सारी फॉर्मेशन यूज़ की थी। दो अलग कर रहे हैं, तीन लोग अलग कर रहे हैं, दो लोग अलग इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, दो लोग अलग इक्विपमेंट से एक्सरसाइज कर रहे हैं, तीन लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। ये सारा आपका ग्रुप फॉर्मेशन में ही आएगा। उसके बाद आता है जो ग्रुप फॉर्मेशन है उसमें सिंगल टास्क भी पॉसिबल है और मल्टीपल टास्क भी पॉसिबल है, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। सिंगल टास्क में कि एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्मेशन में एक ग्रुप है जो फ्लोर एक्सरसाइज कर रहा है, केवल डायमंड शेप, एल शेप या वी शेप या जेड शेप वाले स्टेप कर रहा है वो, और मल्टीपल टास्क है कि एक सर्कल आपके पास है, उस सर्कल में आपने कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लोर कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो वेट एरोबिक्स कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टेप कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन भी कर रहे हैं। तो मल्टीपल टास्क एक साइड एक बारी में फॉलो हो रहा है, आपने फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बनाया है और उसके बाद वो रोटेट भी करेंगे आपस में लाइक सर्किट ट्रेनिंग, तो वो भी एक तरीके से आप फॉर्मेशन बना सकते हैं।
अब आता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। क्राइटेरिया खत्म हो गया आपका, अब आता है क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती कितने तरह की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे शॉर्ट नोट्स में आए चाहे लार्ज नोट्स में आए, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेशन, काइंडली इलेबोरेट और एक्सप्लेन, तो आप ड्राइंग से बनाएंगे फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंस यही है कि गैप हो, विजुलाइज हो, सबको आसानी से दिखा जा सके, उसके अपने एडवांटेज हैं, वो एडवांटेज आपको पता होने चाहिए। पहली फॉर्मेशन है आपकी सिंगल सेमी सर्कल फॉर्मेशन, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोर्ट्स में। आप इस तरीके से पोजीशन देते हैं ताकि इंस्ट्रक्टर को सब लोग देख सकें और सब लोग इंस्ट्रक्टर के डेमोन्स्ट्रेशन को देख सकें। तो ये आपकी फर्स्ट फॉर्मेशन है। सेकेंड, अगर आपके पास लार्ज पॉपुलेशन है, क्योंकि यू कैन गो फॉर द डबल सेमी सर्कल, आप वहाँ पर डबल सेमी सर्कल ही बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई आमने सामने ना आए ताकि वो दिखे ना। अगर ऐसा है तो आप टॉलर कोड़ा ऊपर करेंगे और शॉर्टर कोड़ा आगे कर देंगे। थर्ड है आपकी स्क्वायर शेप फॉर्मेशन, आप यूज़ कर सकते हैं। आप बड़े से स्क्वायर में सबको खड़ा कर दिया, बस प्रिंसिपल का आपने ध्यान रखा कि किसी के आगे पीछे कोई ना हो। ऑल्टरनेट साइड से आप खड़ा कर सकते हैं, एरिया को भी आपने यूटिलाइज करना है जो आपके पास एरिया दिया हुआ है। फोर्थ फॉर्मेशन कैन बी अ स्टार फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप स्टार फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सबको स्टैंडिंग पोजिशन दे सकते हैं। द नेक्स्ट इज सिंगल लाइन फॉर्मेशन, आप एक लाइन में सबको खड़ा कर और आपको सेंटर में यहाँ पर आप खड़ा करके आप वर्कआउट करा सकते हैं। देन डबल लाइन शेप फॉर्मेशन, अगेन यू नीड टू रिमेंबर द पोजिशन ऑफ ईच इंडिविजुअल, एक के सामने एक ना खड़ा करके ऑल्टरनेट हम खड़ा करेंगे। जैसे इसमें देखिए आप, एक के सामने एक नहीं है, ऑल्टरनेट खड़े हुए हैं, डबल लाइन फॉर्मेशन। देन यू कैन गो फॉर द ए फॉर्मेशन, आप ए बना सकते हैं, उन सबको इस तरीके से खड़ा करेंगे कि आप सामने कोई ना आए और सेंटर में यहाँ पर आइदर ऑन द स्टेज सम हाइट पर या फिर फ्लोर पर भी आपका इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेशन करा सकते हैं और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक का एक अपोजिट साइड वी आप फॉर्मेशन बना सकते हैं, वी भी बहुत आसान है। देन यू कैन मेक द यू फॉर्मेशन, यू कैन ऑल्सो मेक द डब्ल्यू फॉर्मेशन, देन अपोजिट एम फॉर्मेशन इज पॉसिबल, यू कैन ऑल्सो मेक द एक्स फॉर्मेशन, क्रॉस एक्स, यू कैन ऑल्सो मेक क्रॉस फॉर्मेशन, एक्स से ही डेवलप होकर आया क्रॉस फॉर्मेशन, हर साइड से देखिए आप क्रॉस खड़े हुए। इफ यू हैव ए लार्ज पॉपुलेशन यू कैन गो फॉर द पिरामिड फॉर्मेशन, एक के ऊपर एक चढ़ने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा हॉल है या ग्राउंड है तो आप पिरामिड वाली शेप में सबको खड़ा कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी के सामने कोई ना आए, बस। देन जिगजैग फॉर्मेशन, आप सिंगल आपने परफॉर्म कराना है, कोई भी प्रेजेंटेशन आपने करानी है, 4 मिनट का 2 मिनट का सॉन्ग है तो आप जिगजैग सिंगल फॉर्मेशन से भी वर्कआउट करा सकते हैं, वो भी तरीके से फॉर्मेशन में काउंट होता है। देन जेट फॉर्मेशन, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जेट बन रहा है। द लास्ट वन इज सर्कल फॉर्मेशन, आप एक सर्कल के अंदर भी वर्कआउट करा सकते हैं, सबको एक सर्कल में खड़ा कर और आप खुद सेंटर में यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन ले लेंगे और सब आपको देखकर अपने आपके डेमोन्स्ट्रेशन को देखकर फॉलो करेंगे और वर्कआउट करेंगे। तो ये कुछ तरह की फॉर्मेशन थी। क्वेश्चन अगर ये आता है कि वाई फॉर्मेशन क्यों चाहिए फॉर्मेशन, तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि आप जो क्राइटेरिया वही आपकी इंपॉर्टेंस है कि फॉर्मेशन जो है अच्छी एरोबिक्स वर्कआउट के लिए नीड है, क्योंकि वहाँ पर आपने प्लेटफॉर्म देना है वर्कआउट करने से पहले। अगर सारे लोग भीड़ में खड़े हो जाएंगे तो वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाएगा, आउटकम नहीं हो पाएगा, एफिशिएंसी जो मूवमेंट है वो नहीं आ पाएगी, हमेशा रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि हार्ड टच ना हो जाए या मैं गलत ना करूं, मुझे दिख ही कुछ नहीं रहा है, विजिबिलिटी बहुत बहुत ज़्यादा पुअर है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो इसलिए हम फॉर्मेशन को फॉलो करते ताकि आप सेकेंड स्टेप मैथड ऑफ ट्रेनिंग पर जा सकें। So after the Y formation, the next topic is group training method in aerobics, which start from how. How you can conduct the aerobics workout with the help of certain methods. So the topic is group training method. So we'll start first with the training. So the word training means different thing, different fields. Training denotes the process of preparation for some task. It's a preparation for particular assignment. This process varyingly extends to a number of days and even month and year. The term training is widely used in sports. In a narrow sense, training is physical exercise for the improvement of performance. Training involves constructing an exercise program to develop an athlete for a particular event. This increasing skill and energy capacities need equal consideration. So, after
गेटिंग द आंसर ऑफ वॉट एग्जैक्टली ट्रेनिंग, वी नीड टू फाइंड आउट सर्टेन इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बिफोर कंडक्टिंग अ मैथड. द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू स्क्रीनिंग द केस, मीन्स यू नीड टू स्क्रीनिंग द इंडिविजुअल. सो हाउ यू कैन स्क्रीन द इंडिविजुअल, यू नीड टू जस्ट फाइंड आउट वट आर द बैकग्राउंड ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ट्रेनिंग स्टेट क्या है उनका, उनका अपना कोई मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कब से वर्कआउट कर रहे हैं, कितना गैप हो चुका है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों वो वर्कआउट करना चाहते हैं, कितने टाइम तक वो वर्कआउट करना चाहते हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए आप मेथड अप्लाई करेंगे आफ्टर फाइंड आउट ऑल दिस पॉइंट. क्योंकि ये स्क्रीनिंग करने का एक बेसिक एक मेथड है, उसके बाद ही आप नेक्स्ट ट्रेनिंग पोर्शन में जाएंगे. आफ्टर फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे, किसी के लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, किसी के गोल्स केवल कार्डियो वर्कआउट का सीमित होगा, किसी के गोल्स स्ट्रेंथ एंड कार्डियो बोथ दे वांट टू डू, समवन वांट टू जस्ट रिड्यूस देयर बॉडी वेट विद द हेल्प ऑफ कार्डियो वर्कआउट. तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो स्टेप एरोबिक्स से और अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल एक्वा एरोबिक्स पर ही फोकस करेंगे. तो उनके गोल्स के अकॉर्डिंग आप मेथड डिज़ाइन करेंगे. जब मेथड आप डिज़ाइन करेंगे, आपने स्क्रीनिंग कर लिया, आपने उनको गोल को आपने फाइंड आउट कर लिया, देन द नेक्स्ट स्टेप इज यू नीड टू फॉलो सर्टेन ट्रेनिंग प्रिंसिपल बिफोर कंडक्टिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम और बिफोर यूजिंग द ट्रेनिंग मेथड. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेनिंग. मीन्स ऐसा ना हो कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो बीच में गैप आ जाए, या फिर आप ट्रेनिंग हो रही है, आप वाटर ब्रेक चले गए, आपने मोबाइल फोन यूज़ किया हुआ है, आप देख रहे हैं व्हाट्सएप चैट देख रहे हैं, नहीं. इट शुड बी ऑल कंटिन्यूटी मैनर, देन इट शुड बी रेगुलर. मंडे टू फ्राइडे अगर वर्कआउट है आपका तो मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप गैप नहीं करेंगे. वो आपका प्रिंसिपल है पहला, आप जो मेथड अप्लाई कर रहे हैं. सेकेंड है प्रोग्रेशन ऑफ लोड. आप रेसिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट कर रहे हैं, डिफ़िकल्टी लेवल आपने नहीं बढ़ाया है तो आप डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे. कैसे बढ़ाएंगे, स्टार्टिंग आपने इनिशियली 1 kg डंबल से वर्कआउट करना स्टार्ट किया, अब धीरे धीरे आप और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने के लिए आप 1.5 kg कर देंगे, 2 kg कर देंगे, 2.5 kg कर देंगे, हैंड पर आपके लेग्स पर आप थोड़ा वेट कैरी कर लेंगे और उसके साथ आप वर्कआउट करेंगे. तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आप लोड को बढ़ाएंगे, लोड बढ़ेगा तो आपका रेसिस्टेंस के साथ साथ आपकी इम्प्रूवमेंट भी बढ़ेगी, आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी. थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड डिफरेंशिएशन. यू नीड टू सेट द मेथड अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर एज ग्रुप आपका मेथड अलग होना चाहिए, टैलेंट के अकॉर्डिंग, मैं जैसे पहले ही बात किया कि उनके प्रीवियस स्टेट क्या था उसके अकॉर्डिंग आपका मेथड अलग होना चाहिए, नेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेनिंग इन द पास्ट, पहले वो कितना टाइप का वो ट्रेनिंग कर चुके हैं, कितने फिट हैं वो, उसके अकॉर्डिंग यू कैन डिज़ाइन योर मेथड. सोशल एंड अदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, उनका खुद का बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो कोप अप कर पाएंगे अगर आप लोड बढ़ाते हैं या ट्रेनिंग बहुत देर तक कराते हैं, वो भी आपने ध्यान रखना है मेथड अप्लाई करने से पहले. एंड द लास्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग. आपके पास हमेशा मेथड बनाने के समय पहले से ही वो डिज़ाइन होना चाहिए पेपर पर कि आप क्या क्या कराने वाले हैं. वही एक अच्छा क्वालिटी होती है इंस्ट्रक्टर की, एक ट्रेनर की, कि आपके पास जो प्लान है वो ऑन पेपर होना चाहिए, प्लान होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव एंड मेथड कैन डिज़ाइन. एग्जाम्पल, बिगनर और लेमैन द ग्रुप कैन बी अ डिफरेंट, दोनों के लिए अलग ग्रुप होगा. जब ये वाले आप फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट कर लेंगे, स्क्रीनिंग, ऑल द ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स, ऑब्जेक्टिव आपने फाइंड आउट कर लिया, गोल्स आपने फाइंड आउट कर लिया, फिर आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे. नेक्स्ट स्टेप है कि आप उनको आप पर्टिकुलर एरिया में लेके जहाँ पे उनको वार्मिंग अप कराना है. अब नॉर्मली क्वेश्चन ये आता है कि वी आर ऑलरेडी हेयर टू डू सम फ्लोर एक्सरसाइज, सम स्टेप एरोबिक्स, सम वेट एरोबिक्स, सम एक्वा एरोबिक्स, तो वार्मिंग अप हम क्या करें. तो एरोबिक्स में वार्मिंग अप है कि आप थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, थोड़ा ऑन द स्पॉट मार्चिंग कर लें, थोड़ा आप साइड मूव कर लें और उसके बाद फिर आप स्ट्रेचिंग फॉलो करें. एरोबिक्स मूव दैट कैन चेंज हार्ट फ्रॉम रेस्टिंग हार्ट रेट टू ट्रेनिंग हार्ट रेट एंड स्टार्ट स्लोली टू बिल्ड एन एनर्जी इंटेंसिटी. वॉकिंग और मार्चिंग रिप्लेस द मोस्ट रेगुलर वार्मिंग अप इन एरोबिक्स मूव विद योर स्टेप्स डीपिंग इन टू लंजेस एंड द एंड ऑफ द वार्म अप टू एडिट इंटेंसिटी एनर्जी एंड इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू द मसल. Other first phase move comprehend stepping from side to side and moving the arms at waist level or higher. इस बात का ही ध्यान रखेंगे, हमेशा ये आपका foundation है या फिर principle है. Aerobics workout में सबसे पहले mastery लाते हैं अपने legs में,
जबकि लेग्स में मास्टरी आती है उसके बाद फिर अपर एक्सट्रीमिटी पे जाते हैं हम। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग लेग्स से है वार्मिंग अप, उसके बाद धीरे धीरे अपर बॉडी पे जाएंगे। देन एरोबिक्स मूव ओवर द वार्म अप फेज शुड बी कॉम्प्रीहेंड एंड जेंटल स्ट्रेच ऑफ ईच ऑफ द मेजर मसल ग्रुप इंक्लूडिंग द लोअर बैक। द वार्म अप फेज ऑन एरोबिक वर्कआउट शुड बी नॉट मोर देन 5 to 10 minutes। अगर 40 minutes का वर्कआउट है आपका, तो आपका 5 से 7 मिनट तक वार्मिंग अप या 5 से 10 मिनट तक वार्मिंग अप इनफ है। आखिरी की 5 मिनट भी आप रखेंगे कूलिंग डाउन के लिए। बीच का 20 से 25 मिनट आप मेन पार्ट रखेंगे, मेन कंटेंट रखेंगे वर्कआउट का। आफ्टर वार्मिंग अप यू कैन गो फॉर द स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, डायनेमिक कर सकते हैं जैसे आप फोटो में देख रहे हैं आप, एक्टिव कर सकते हैं अपने आप विद हेल्प ऑफ पार्टनर। यू कैन गो फॉर द पैसिव स्ट्रेचिंग। समवन वांट टू जस्ट नो कि कितना स्ट्रेच करना चाहिए, कितनी देर तक करना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट आ जाए। तो रूल है कि इफ यू वांट टू मेक अ सम इम्प्रूवमेंट इन योर जॉइंट इन योर मसल्स, तो आप 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे जब आप स्ट्रेचिंग करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव होगी। देन स्टार्ट विद अ मेथड। उसमें भी कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए जब मेथड हम बना रहे हैं। प्रिंसिपल हमने ध्यान में रख लिया, हमने गोल्स ध्यान में रख लिए, हमने स्क्रीनिंग कर लिया। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है मेथड, मेथोडिक इज द की ऑफ नॉलेज ऑफ द इंस्ट्रक्टर विच इनेबल हिम हर टू कैरी आउट द क्लास इन सेंसिबल इंटरेस्टिंग एंड कंटिन्यूइंग मैन। गुड टीचिंग एक्सपर्ट प्रेजेंट देयर कोरियोग्राफी ग्रेजुअली एंड एबल टू द फॉर्म सिंपल टू वर्ड्स कॉम्प्लेक्स रूल। ये आपने ध्यान रखना है जब भी आप कोई वर्कआउट प्रिपेयर करेंगे या मेथड बनाएंगे, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। दिस कैन ऑल्सो मीन दैट कॉम्प्लेक्स कोरियोग्राफी कैन बी अ परफॉर्म इन ए सिंपल एंड लॉजिकल वे। द एक्सरसाइजर समटाइम्स वंडर एट द एंड ऑफ द क्लास हाउ दे वर एबल टू डू इट इफ द इंस्ट्रक्टर मेक सेवरल सिंपल चेंजेस वाइल एक्सप्लेनिंग द फाइनल प्रोडक्ट कैन बी बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड। The methodic for each class should be elaborated on and prepared and more detailed. There are several methodic principles and only by combining them can the choreography be elaborated on. One choreography can be presented in several ways, each of which being equally good and correct. Some types of methodic most widely used. सबसे पहले आपका communication method. मेथड इन एरोबिक्स में सबसे पहला जो है वो आपका कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी किसी मेथड को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने में। जब आप खड़े होते हैं स्टेज पर, आपने इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट करा, अगर आपकी इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक नहीं है, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, पहली चीज़। सेकंड, जो आप वर्कआउट करा रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शन पहले से ही आप बता देंगे वर्बली, और वर्बली वाले पार्ट के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन। वो हम बाद में करेंगे, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन से पहले आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा पावर होता है कि आप विद द हेल्प ऑफ योर वॉइस आप वर्कआउट का टेम्पो भी बढ़ा और कम सकते हैं। जो आप काउंटिंग कर रहे हैं 5 6 7 8 5 6 7 8, आपकी बोलने की जो ये पावर है, इससे भी आप इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपका पूरा का पूरा कंट्रोल आपकी वॉइस से रहता है पूरे ग्रुप पर। सो इंस्ट्रक्शन डिलीवर बाय ट्रेनर वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। हिज और हर वॉइस कैन मेक द इंटरेस्ट अमंग द क्लाइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइस कैन इफेक्ट द टेम्पो ऑफ स्टेप्स और मूव्स। इनिशियली द ट्रेनर स्टार्ट विद द काउंटिंग 8 or 16 or 32। अ गुड ट्रेनर कैन ईजिली कंट्रोल द क्राउड विद हिज वॉइस। इनिशियली वी विल स्टार्ट विद अ लो पेस एंड सेट द टारगेट हार्ट रेट। इंटेंसिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर अचीविंग योर टारगेट। क्वालिटी ऑफ टीचिंग कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ अ ट्रेनर। फ्लो ऑफ द एक्सरसाइज डायरेक्टली लिंक टू द काउंटिंग साउंड ऑफ द ट्रेनर। जो वो बोल रहे हैं, जो वो समझा रहे हैं, जो वो बता रहे हैं हर एक एक्सरसाइज के बारे में, कौन सा मूव पहले करना है, कौन सा स्टेप आगे आना चाहिए, कौन सा पीछे आना चाहिए, वो सब कुछ इंस्ट्रक्शन बहुत ही क्लियर होने चाहिए। बींग ए गुड इंस्ट्रक्टर, जब आप उनको वर्बल कम्युनिकेशन बता देंगे, तो आपका सेकेंड पार्ट जो होगा वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके मेथड में ये। इसके बिना आई डोंट थिंक सो कि आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं एरोबिक्स में। तो ग्रुप ट्रेनिंग मेथड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप जो फाउंडेशन है मेथड्स की, वो है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, क्योंकि एरोबिक्स मूव ऐसा है कि बिना डेमोन्स्ट्रेशन के पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको लिख कर दे दूँ, मैं आपको वर्बल बता दूँ, नहीं, एल स्टेप डायमंड स्टेप ये आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, कैसे पोजिशन लेना है, किस फॉर्मेशन में खड़ा होना है, कैसे मूव करना है, कितने स्पीड से आगे आना है, कितने स्पीड से पीछे आना है, ये वर्बल कम्युनिकेशन, लेकिन करना कैसे है वो मेथड में डेमोन्स्ट्रेशन से आएगा। सो डेमोन्स्ट्रेशन इज ए विजुअलाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ फैक्ट्स कंसेप्ट एंड प्रोसीजर। इट
ट्रेन्स एक्सप्लेन द स्टूडेंट इन आर्ट ऑफ केयरफुल ऑब्जर्वेशन. इट इज़ नॉट वॉट यू से, इट इज़ हाउ यू से इट. डेमोस्ट्रेशन कैन बी यूज टू टीच स्किल्स दैट आर एसेसिबल टू ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर लाइक काइनेस्थेटिक्स. When people learn from demonstration, they can pick up the action and movements which are not available from just being told verbally. बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं जब वो देखते हैं demonstration. Also, learners are able to use the technique that has been shown to them and which allow the correct technique to be seen and then put into practice. Encourage peer learning. जब आप देखते हैं, allow the trainer to use other student to demonstrate the technique which promotes confidence in other student. बहुत बार क्या होता है, आप मिरर के सामने खड़े होकर demonstration कर रहे हैं, आप मिरर में देख ही पा रहे हैं कि कौन कौन अच्छा कर रहा है. उसके बावजूद भी एक फीडबैक, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है डेमोस्ट्रेशन का, कि एक दो जो स्लो लर्नर्स होते हैं उन पे फोकस नहीं जा पाता, वो आपके पेस को नहीं कैच कर पाते. उस केस में क्या करते हैं डेमोस्ट्रेशन में, हम उन इंडिविजुअल को आगे ले आते हैं फ्रंट फेज में और उनको बोलते हैं कि अब आप परफॉर्म करेंगे, आपको देख के लोग करेक्ट करेंगे. जब वो परफॉर्म करते हैं तो ऑन द स्पॉट हम उनको करेक्ट कर देते हैं. ऑन द स्पॉट ही करेक्ट करना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंटली करेक्ट नहीं करना चाहिए, इस बात का आपने ध्यान में रखना है. जब आप बाकी लोगों को मौका देंगे तो एक तो उनका मोटिवेशन फैक्टर बढ़ेगा, दूसरा आपके पास भी इनफ टाइम मिल जाएगा सब लोगों को देखने का कि कौन कितना अच्छा कर रहा है. सम टिप्स फॉर द डेमोस्ट्रेशन इज, फर्स्ट इज नो योर सब्जेक्ट. आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उनके फिटनेस स्टैंडर्ड कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पेस बढ़ाएंगे. अपना ऑब्जेक्टिव पहले से सेट रखेंगे कि आज आपने क्या कराना है, आपने क्या प्लान किया हुआ है और सेकेंड स्टेप में आपने क्या जाना है. प्लान योर प्रिपरेशन टाइम फॉर वेरियस स्टेप्स अरेंजमेंट. हेल्प योर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स टू सी वॉट यू आर डूइंग. बी ऑर्गेनाइज्ड, पहले से आपने ऑर्गेनाइज रखना, पहले से स्टेपर वहाँ पर हो, पहले से वहाँ डंबल वहाँ पर रखे हों, पहले से वहाँ पर रॉड वहाँ पर हो, वहाँ पर थेराबैंड हो, ताकि आप जब डेमोस्ट्रेशन दें तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना हो. क्योंकि डेमोस्ट्रेशन ऐसा भी हो सकता है कि आपको दो तीन बार आप देंगे तब आपके प्रैक्टिस से आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, उनको समझ में आएगा. यू नीड टू फॉलो सम सेफ्टी प्रिकॉशन आल्सो जब आप डेमोस्ट्रेशन देते हैं. तो थर्ड मेथड जो है एरोबिक्स ट्रेनिंग में, ग्रुप ट्रेनिंग मेथड में, वो है मेंटल इमेजिनरी मेथड. क्या होता है, आप ग्रुप ट्रेनिंग मेथड करा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं आपके साथ, आपके ग्रुप के साथ, उनका जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा सा बहुत पेस नहीं हो पाता है. सेकेंडली, जो आप ग्रुप ट्रेनिंग करा रहे हैं, सडनली किसी ने आके ज्वाइन किया आपके ग्रुप को, वो बिगनर है या फिर वो बहुत ज़्यादा नहीं सीख सकता जल्दी से, उसको टाइम लगेगा. उस केसेस में हम क्या करते हैं, हम उनको बताते हैं कि 40 मिनट जो जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक घंटा जो एरोबिक्स का वर्कआउट कर रहे हैं, वो इनफ नहीं है आपके लिए. अगर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है बॉडी में तो यू हैव 24 आवर्स इन अ डे. उसमें आप क्या करें, आप मेंटल इमेजिनरी मेथड को अप्लाई करें. कैसे अप्लाई करेंगे, सबके पास मोबाइल फ़ोन होता है, क्या करता है ट्रेनर, सभी के मोबाइल फ़ोन में वो जो म्यूज़िक है जिसपे वो वर्कआउट करा रहा है वो डाउनलोड कर देते हैं या वो आप वो सेंड कर देते हैं. मोबाइल फ़ोन में म्यूज़िक आने के बाद उनको ये बोला जाता है कि दिन में कम से कम 3 या 4 बार आपने ईयरफोन लगाकर वो म्यूज़िक सुनना है, बस कुछ नहीं करना, आपने वो सुनना है. फर्स्ट डे, सेकंड डे जब आप सुन लेंगे, थर्ड डे आपका स्टेप आएगा कि जब सुनते सुनते फिर आपने ध्यान लगाना है कि किस वाले बीट्स पर कौन सा स्टेप जा रहा था जब मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था, और किस वाले स्टेप पर, किस वाले बीट्स पर वो वाला स्टेप किस तरीके से मूव हुआ, किस तरीके से मुझे एग्जीक्यूट करना है, वापस आना है, फिर नए स्टेप में जाना है. ये सारा आपने इमेजिनेशन करना है अपने माइंड पर. फिर क्या होगा, जब ये इमेजिनेशन कर लेंगे, विजुलाइज कर लेंगे अपने दिमाग में, और नेक्स्ट डे प्रैक्टिकली जिम में आप करेंगे तो आप खुद भी अपने अंदर बहुत इंप्रूवमेंट पाएंगे. ये बहुत अच्छा मेथड है, स्पोर्ट्स में काफ़ी यूज़ होता है कि एक दिन पहले ही आप नेक्स्ट डे क्या क्या होने वाला है उसको विजुलाइज कर लेते हैं अपने माइंड में, और जब वो एक्चुअल में होता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं होती है, आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो सब चीज़ें आपने पहले से करी हुई हैं. तो जो नए लर्नर होते हैं, जो न्यू बिगनर्स होते हैं, जो ग्रुप में नहीं एडजस्ट हो पाते, या फिर ग्रुप में भी ऐसे हैं जो बहुत स्लो लर्नर है, तो उनके लिए हम स्पेसिफिक मेंटल इमेजरी मेथड अप्लाई कर देते हैं. उनको बोलते हैं घर पर अपने शीशे के सामने खड़े होकर अपना आप म्यूज़िक लगाइए कान में और आप प्रैक्टिस कीजिए. सो पुट ए सॉन्ग इन टू ऑडियो रिकॉर्डर, मोबाइल इमेजिन द स्टेप विद योर बीट्स, लिसन म्यूजिक विद द इमेजिनेशन ऑफ ईच स्टेप एट होम. इनिशियल स्टेज दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल, इम्प्रूव एथलेटिक फिजिकल परफॉर्मेंस और एरोबिक्स परफॉर्मेंस. एम्पलीफाई मोटिवेशन, गेन कॉन्फिडेंस, रिड्यूस स्ट्रेस एंड एनजाइटी, जो डर रहता है कि मैं कर पाऊंगा या स्टेपर से पैर ना गिर जाए, कब लेके आना है, वो सारा आपका इस इमेजरी वाले मेथड में कम हो जाता है. मेंटेन अ पीक फ्रॉम क्विक एंड रिकवरी फ्रॉम इंजर्ड और सिक. अगर आप इंजर्ड हैं, आप नहीं जा पा रहे, तो मेंटल इमेजरी आपका बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आपका डेवलप करता है, क्योंकि उसमें आपको वो एक तरीके से मेंटल टफनेस लेके आता है कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बहुत आसान है, मैं कर सकता हूँ.
नेक्स्ट इज मिरर मेथड। ट्रेनर वर्कआउट करा रहे हैं, बहुत से लोग हैं कि ट्रेनर को ना ऑब्जर्व करते हुए आप मिरर मेथड को भी एक पोर्शन रख सकते हैं। मिरर मेथड जो बेस्ट मेथड है, उसमें इसमें क्या है कि आप अपने आप को खुद सेल्फ एवेलुएट कर सकते हैं, अपने आप को खुद देख सकते हैं कि कितना वर्कआउट आप जब कर रहे हैं कोई एरर तो नहीं है। आपको ट्रेनर तो देख ही रहा है, लेकिन मिरर के सामने जो खड़े होकर आप वर्कआउट करते हैं तो आप बहुत क्लियरली अपने आप को ऑब्जर्व कर पाते हैं और आपका सेल्फ एवेलुएशन हो जाता है, सेल्फ मोटिवेशन भी आपका बढ़ जाता है। तो दिस इज द फोर्थ मेथड। फिफ्थ मेथड इज वर्चुअल मेथड। दीज डेज आपने देखा होगा कि जिम काफ़ी बंद हैं, सब लोग जिम में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्कआउट कंटिन्यू चल रहा है, तो लोग वर्चुअल मेथड के आप हेल्प ले रहे हैं। जूम पे, आपके मीट्स पर, वेबएक्स पे क्लास कंडक्ट करते हैं, ट्रेनर खुद क्लास लेता है प्रैक्टिकल, सब लोग वहाँ पर ज्वाइन होते हैं प्रैक्टिकल फॉर्म में, अपने यूनिफॉर्म में, प्रैक्टिकल यूनिफॉर्म में, ट्रैक सूट में, शूज में, मैट में, और जो जो ट्रेनर कराता है उसको फॉलो करते हैं। इसके अलावा अब ट्रेनर को कैसे ये पता लगेगा कि मैं जो वर्कआउट करा रहा हूँ वो वर्कआउट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ट्रेनर क्या करता है उनको बोलता है कि आपने असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट कैसे करना है, आपने जो मैंने आज वर्कआउट कराया 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का, आपने मुझे इसकी वीडियो बना के मुझे अपलोड करनी है, मुझे देनी है। तो फिर ट्रेनर उस वीडियो को इवेल्युएट करता है कि कितना चेंजेस हुआ, कितना इंप्रूवमेंट आया, उसके अकॉर्डिंग फीडबैक देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, काफ़ी फेमस भी हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोफेशनल चैनल्स हैं यूट्यूब पर जिनको देखकर आप वर्कआउट कर सकते हैं, ग्रुप में वर्कआउट कर सकते हैं और इंडिविजुअल वर्कआउट भी कर सकते हैं। अगला मेथड जो है वो है लीनियर प्रोग्रेशन मेथड। लीनियर प्रोग्रेशन में इज ए मेड ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड मूव्स विदाउट रिटर्निंग टू द स्टेप ऑलरेडी परफॉर्म। जो आपने स्टेप एक बार कर लिया आप वापस पर नहीं आते हैं। दिस इज ए सिंपल मेथड टू फॉलो एंड यूज टू वार्म अप एंड कूलिंग डाउन। आपने देखा होगा, देखिए स्किन पर पहली वाली एक्सरसाइज जो है वो शोल्डर रोटेशन वाली एक्सरसाइज है, सेकंड आर्म है, थर्ड आपका नी है, फोर्थ आपका टू टच। तो ये सीक्वेंस में है, लीनियर प्रोग्रेशन, ये भी आपका मेथड में ही आएगा। जब आपने कराना स्टार्ट किया एरोबिक्स, फ्लोर एरोबिक्स, तो आप स्टेप बाय स्टेप करा रहे हैं, वो स्टेप आप लीनियर प्रोग्रेशन वाले मेथड में रिपीट नहीं होगा, एक ही फॉर्म में चलेगा। नॉर्मली लीनियर प्रोग्रेशन जो है वार्मिंग अप में कूलिंग डाउन में ही होता है। जब हेड टू टो एक्सरसाइज करते हैं वापस तो हेड पर नहीं आते हैं, सिमिलरली जब टो टू हेड एक्सरसाइज करते हैं तो वापस टो पर नहीं आते हैं। तो लीनियर प्रोग्रेशन मेथड जो है एरोबिक्स में वो आपका एक सिंपल फॉर्म है जो रिपीट नहीं होती है। सेकेंड आपका सेवन्थ मेथड है ब्लॉक मेथड। आप एक एक स्टेप करा रहे हैं, पहले आपने एल स्टेप कराया, फिर आपने वी स्टेप कराया, फिर आपने जेड स्टेप कराया, फिर आपने डब्ल्यू कराया, फिर आपने डायमंड कराया, ये सारे स्टेप आपने करा दिए इंडिविजुअल को। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप इन सबको मर्ज कर देते हैं। मर्ज जो ये मर्ज है यही आपका ब्लॉक मेथड है, सबको एक साथ इकट्ठा कर देना। तो आपका जो सेवन्थ मेथड है वो ये है कि आपने सारे स्टेप कराए, स्टेप इनको, इन सारे स्टेप्स को आपने मर्ज कर दिया, ये आपका हो गया ब्लॉक मेथड। फॉर एग्जाम्पल फोटो में दिया हुआ है कि स्टार्टिंग पहले आपने मार्जिन से कराई, फिर उसी मोमेंटम में आपने हैंड और एयर की एक्सरसाइज कर दी उसी मोमेंटम में, और उसके अलावा 1 2 ये सीक्वेंस है, 1 2 3 4, 4 एक्सरसाइज कॉमन कॉमन अलग अलग कराने के बाद इन चारों को मर्ज कर दिया, वो आपका ब्लॉक मेथड। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेपिटिशन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक मोर इम्प्रूवमेंट जो आती है प्रैक्टिस करने से, तो रेपिटेशन मेथड भी वही है कि बार बार जब रेपिटेशन करेंगे किसी भी एक्सरसाइज का तो आपके पास आपके बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगी। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सरसाइज हैं, नंबर 2 थोड़े से अलग है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रेपिटेशन हो रहा है बार बार, रेपिटेशन मेथड की आप एक एक्सरसाइज जब बार बार करेंगे काउंटिंग में, स्टार्टिंग पहले हुआ था 5 6 7 8 16 काउंटिंग पे स्टार्ट हुआ, फिर आपने सेकंड एक्सरसाइज किया, फिर थर्ड एक्सरसाइज किया, फिर फोर्थ में दोबारा आपने वही एक्सरसाइज रिपीट कर लिया, रेपिटेशन मेथड। उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको एक्सरसाइज करने का जो एक प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये जो एड्स है आपका रेपिटेशन मेथड। नाइन्थ वन इज योर एडाप्टेशन मेथड, एड ऑन मेथड। एड ऑन मेथड में क्या है कि जिस तरीके से आपने ब्लॉक मेथड किया था, बहुत सारे आपने स्टेप्स कराए, वी एल डब्ल्यू जेड आपने कराया और उन सबको बाद में आपने मर्ज कर दिया, तो ब्लॉक मेथड हो गया, वो वहाँ से खुलेगा नहीं। एड ऑन मेथड में क्या है कि वो ब्लॉक मेथड ही है लेकिन इन सबको आपने इकट्ठा करके एक और मेथड आपने ऐड कर दिया। जैसे कि स्टेप 1 क्या था, सिंपल इनिशियली स्टेप के ऊपर एक्सरसाइज था। स्टेप 2 क्या था, स्टेप के ऊपर एक्सरसाइज था, आपने साथ में डंबल पकड़ा दिया, आपने ऐड कर दिया। स्टेप 3 क्या था, स्टेप डंबल और आपने अब और भी मूव्स कर दिए, नी हाई, ऑल्टरनेटिव नी हाई आपने कर दिए। तो ये सारा एक कॉम्बिनेशन है आपका एड ऑन मेथड, एक एक स्टेप को आप ऐड कर रहे हैं उसी फ्रेम में, उसी सीक्वेंस में, उसी काउंटिंग में।
तो ये आपका हो गया एड ऑन मेथड। नॉर्मली ये कन्फ्यूजन होती है कि ब्लॉक मेथड में एड ऑन मेथड में डिफरेंस क्या है। ब्लॉक मेथड में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एक्सरसाइज उनको ब्लॉक कर दिया, एड ऑन मेथड में आप अकॉर्डिंग टू द फ्रेम, अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी, अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग आप एक एक स्टेप ऐड करते जा रहे हैं। जैसे कि सिंपल स्टेप आप देख रहे हैं नंबर वन में सीक्वेंस में, उसके बाद उसी स्टेप में आपको डंबल हाथ में दे दिया है, आप अप एंड डाउन कर रहे हैं स्टेप के ऊपर, आपको डंबल के साथ करेंगे सेकंड स्टेप, और थर्ड में आप वही ग्रुप में कर रहे हैं और साथ में आपके नी स्टेप, अल्टरनेटिव नी टच, अल्टरनेटिव नी हाई, ये आपके सारे फ्रेम में आ जाएगा सीक्वेंस में, ऐड कर दिया ना, वन बाय वन ऐड हो रहा है। उसके बाद टेंथ है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैंने कहा उस टाइम बताया था आपको कि एक अच्छी क्वालिटी है जो ट्रेनर की, वो यह है कि वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए, तो हमेशा आपके पास सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स देने का। कॉम्प्लेक्स कैसे देंगे कि आप बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो, धीरे धीरे चेंजेस करें। पहले आपने सिंपल फ्रेम किया, स्टेप अप डाउन, उसके आपने डंबल दे दिया स्लो, उसके आपने ग्रुप करा दिया एड ऑन करके, अब आप देख रहे हैं कि कोई इंप्रूवमेंट इतनी आ नहीं पा रही है। काउंटिंग वही है, 16 काउंटिंग है, 32 काउंटिंग है, आप क्या करेंगे 16 और 32 काउंटिंग में ही उसी काउंटिंग में आप थोड़ा सा डिफिकल्ट स्टेप दे देंगे, और वो डिफिकल्ट स्टेप ही आपका कॉम्प्लेक्स है। आपके पास हमेशा एक प्लान भी होना चाहिए, वो आप नेक्स्ट स्टेज में लेके जाएंगे। जब आप देखेंगे कि कोई डिफिकल्टी नहीं बढ़ रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो वो इंप्रूवमेंट लाने के लिए, डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए आप सिंपल वाले स्टेप को आप कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और आप देखेंगे कि उससे बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट आए। तो ये भी एक मेथड का ही पार्ट है कि आप अपने जो स्टेप्स हैं उनमें हमेशा एक सब्स्टिट्यूट रखें, ताकि जब जरूरत पड़े आप उसको कंप्लीटली चेंज कर दें। द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस मेथड, ये ट्रेनिंग का ही पार्ट है। आप जो भी वर्कआउट करें वो कॉन्टिन्यूस करें। कॉन्टिन्यूस जो होता है वो आपका विदाउट पॉज होता है उसमें, जैसे 40 मिनट्स का वर्कआउट है तो नो पॉज, कंटिन्यूस 40 मिनट वर्कआउट, उसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ म्यूजिक, नो गैप, ये आप ध्यान रखेंगे। कॉन्टिन्यूस मेथड जो होता है वो ज़्यादातर लो इंटेंसिटी पे होता है, क्योंकि उसमें हाई वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे हाई वॉल्यूम क्या है, जितनी देर तक आप वर्कआउट करेंगे उतने आपके बॉडी के लार्ज मसल ग्रुप यूज़ होंगे, लार्ज मसल ग्रुप यूज़ होंगे, तो लार्ज आपकी जो प्रोडक्टिविटी है आपकी बॉडी की वो ज़्यादा आउटकम दे पाएगी, वही आपका वॉल्यूम है जितना ज़्यादा आप यूज़ कर पाते हैं। इंटेंसिटी जो पेस ऑफ आपका वर्क है, कितने पेस से आप कर रहे हैं, तो नॉर्मली कॉन्टिन्यूस मेथड में आप लो टू इंटेंसिटी जाते हैं, लो टू मीडियम। वॉल्यूम रेफर टू द नंबर ऑफ मसल्स वर्क एक्सरसाइज सेट्स एंड रेपिटेशन ड्यूरिंग ए सिंगल सेशन, जितने भी आपने रेपिटेशन करे उन सबका जो जोड़ है वो आपका वॉल्यूम है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैन बी ए स्टेप, फ्रीक्वेंसी कैन बी ए सेट, आप जो स्टेप कर रहे हैं कितनी बार आप करेंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, 4 बार 5 बार, जो आपने सेट किया वो सेट कितनी बार करेंगे वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद है इंटरवल मेथड। आप देखते हैं कि आपने 40 मिनट्स का वर्कआउट कराया, 25 मिनट्स करा आपने, उसके बाद आपने ब्रेक ले लिया, फिर अगेन 25 मिनट्स, तो ये इंटरवल मेथड। इसमें एक पॉज हम ले लेते हैं, रिकवरी पूरी नहीं हो पाती है, आधी रिकवरी में ही वर्कआउट कराते हैं, मीडियम टू हाई इंटेंसिटी रखते हैं और लो टू मीडियम आपकी वॉल्यूम रखते हैं इसमें। थर्ड है कॉम्बिनेशन मेथड, जिसमें आप बहुत सारी ट्रेनिंग को मर्ज कर सकते हैं, लाइक सर्किट ट्रेनिंग, एक पूरा ग्रुप आपके पास है, फॉर्मेशन आपको पता ही है, आपने फॉर्मेशन को जिस तरीके से नहीं कि आपके पास 15 लोग हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो साइड में खड़े होकर फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे हैं काउंटिंग पर, नो म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक बजाएंगे तो डिस्टर्बेंस होगी, वो काउंटिंग पे अपने फ्लोर एक्सरसाइज कर रहे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो साइड में स्टेप पर वर्कआउट कर रहे हैं, 5 लोग ऐसे हैं जो साइड में वेट एरोबिक कर रहे हैं, तो ये सारे क्या कर रहे हैं आपस में हर एक एक्सरसाइज के बाद रोटेट भी करेंगे। इसी तरीके से 5 लोग ऐसे हैं जो केवल फ्लोर कर रहे हैं और साथ में प्लेटें भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो किक बॉक्सिंग के साथ साथ फ्लोर भी कर रहे हैं, कुछ फ्लोर स्टेप और वेट तीनों एक साथ कर रहे हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेनिंग वर्कआउट भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग मेथड में वेरिएशन लाने के लिए, ताकि एक इंटरेस्ट बना रहे। लास्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फीडबैक, और फीडबैक भी नॉर्मल फीडबैक नहीं, इफेक्टिव फीडबैक। सो फीडबैक इज आल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट हेल्प्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड एटीट्यूड, कैन पॉजिटिवली अफेक्ट मैचुरेशन, लर्निंग, सेल्फ इमेज एंड मोटिवेशन। अलाउ प्रैक्टिस बिफोर फीडबैक, करेक्टिंग ओनली वन एरर एट ए टाइम एंड बींग क्लियर ऑन हाउ टू करेक्ट द एरर, एक ही बहुत बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं करनी है, एटलीस्ट को पहले बेस बनाने दे दीजिए, जब बेस बन जाएगा उसके बाद आप धीरे धीरे करेक्शन करना स्टार्ट करेंगे। पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट हैसेंट डेवलपमेंट, शाउटिंग एंड क्रिटिज्म डज नॉट रिक्वायर्ड, एनश्योर एथलीट डू नॉट प्रैक्टिस अ स्टेप इनकरेक्टली, ये आपने ध्यान रखना है। फीडबैक कैन बी वर्बल, आप उसको बता दीजिए, कैन बी इन रिपोर्ट मैनर, उसका एक रिपोर्ट आप बना दीजिए, उसको मेल कर दीजिए,
इट कैन बी क्यू कि आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो सामने वाले कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं और आप कैसे कर रहे हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, तो इतना ही इनफ रहता है। आप उनको चेकलिस्ट भी दे सकते हैं कि आपने ये स्टेप किया, आप इसको टिक कीजिए कि आपने क्या सही करा है। तो चेकलिस्ट से भी उसको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ मेरा फीडबैक कैसा है। एक तरह से हम एक छोटा सा वो बना लेते हैं क्वेश्चनियर कि आप जो वर्कआउट कर रहे हैं उसमें कितना इंप्रूवमेंट आ रही है, क्या वो सही कर पा रहे हैं, वो सारा हमारा एक फीडबैक का पार्ट है, इफेक्टिव फीडबैक का पार्ट है। आप उनको वीडियो भी सर्कुलेट कर सकते हैं उनके मोबाइल फ़ोन पर, ताकि वो घर में बैठकर देख सकें अपनी खुद की वीडियो और साथ में ट्रेनर की वीडियो, तो कंपेयर कर लें कि हाँ कुछ एरर हुआ है। पीयर कमेंट्स भी साथ में रख सकते हैं, एक छोटा सा एक फन एक गेम रख लिया, उसमें सबसे आप पूछ रहे हैं कि क्या क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है, क्या क्या आपके ड्रॉबैक्स हैं, तो वहाँ पर पीयर कमेंट्स पीयर के थ्रू आप निकाल सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है ये वाला पार्ट। अलाउ इंडिविजुअल टू क्रिटिकली एनालिसिस एंड इवेल्युएट देयर ओन परफॉर्मेंस। इफेक्टिव फीडबैक शुड बी स्पेसिफिक, कंस्ट्रक्टिव, इमीजिएट, क्लियर एंड पॉजिटिव। ये ध्यान रखना आपने कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इनकरेक्ट है तो ऑन द स्पॉट आप करेक्ट कीजिए, क्योंकि एक बार वो हैबिट बन जाती है उसको ठीक कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। फीडबैक कैन बी सोर्स ऑफ पॉजिटिव मोटिवेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फीडबैक है वो आपने कुछ इस तरीके से यूज़ करना है कि वो पॉजिटिव वे में जाए, नेगेटिव वे में ना जाए। उससे क्या होगा, उसका मोटिवेशन फैक्टर बना रहेगा। द एम ऑफ मेथोडिक इज टू सिक्योर टू इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लास इन विच द एक्सरसाइजर डू नॉट हैव टू स्टॉप एक्सरसाइजिंग एज द इंस्ट्रक्टर शो अ न्यू कॉम्बिनेशन। द एक्सरसाइजर कैन फॉलो द क्लास विदाउट हैविंग टू पुट अ ग्रेट मेंटल एफर्ट। टाइमली मेथोडिक मेक्स द एरोबिक क्लास मोर इंटरेस्टिंग एंड द डिजायर इफेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग कैन बी अचीव्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। हम जब मेथड की बात करते हैं, हमने प्रिंसिपल की बात कर ली, हमने इंटरवल ट्रेनिंग की बात कर ली, हमने और करीबन 14 मेथड्स की बात कर ली, हम डेमोंस्ट्रेशन की बात भी कर चुके हैं, हम कम्युनिकेशन की बात भी कर चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपके मेथड को डिज़ाइन करने का, वो है आपका फिट। फिट में मैं पहले भी करा चुका हूँ, ट्रेनिंग का ही पार्ट है। फिट में आपने एक तरीके से हेल्प लेनी है अपने डिज़ाइन अपने मेथड को डिज़ाइन करने के लिए पेपर पर, और फिर आप उसको डेमोस्ट्रेशन के थ्रू आप प्रैक्टिकली भी आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, मैंने इस टाइम बताया कि फ्रीक्वेंसी मीन टाइप ऑफ सेट आप कितने करेंगे या टाइप ऑफ स्टेप्स आप जो कर रहे हैं। जैसे आपने एल करा, डायमंड करा, ए करा, आपने वी करा, जेट करा, या अराउंड द वर्ल्ड किया आपने, या फिर आपने टो टैप किया, आपने हिप टैप किया, आपने आपने साइड किक किया आपने, ये सारे करने के बाद आप इन सबको कितनी बार रिपीट कर रहे हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी में काउंट होगा। या फिर ये 10 स्टेप्स का एक अगर सेट है तो कितनी बार करेंगे ये सेट 40 मिनट्स में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। इंटेंसिटी आपका पेस, आपका लो मीडियम हाई हो सकता है। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितनी देर तक आपने करा, कितना वर्कआउट आपने किया, कितने मसल ग्रुप आपके इन्वॉल्व हुए, वो आपका टोटल ड्यूरेशन में आएगा। देन टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, हमारे सिलेबस में फिलहाल 4 टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हैं, तो आप मेथड भी उनके अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। जो 15 मेथड अभी हमने डिस्कशन किए, ये सारे के सारे 15 या 14 मेथड्स आप अपनी इन एक्टिविटीज़ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लोर एरोबिक्स, फ्लोर एरोबिक्स में आप कम्युनिकेशन, डेमोस्ट्रेशन, आपका लीनियर मेथड, आपका एड ऑन मेथड, आपका रेपिटेशन मेथड, आपका ब्लॉक मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, ये सारे मेथड अप्लाई कर सकते हैं। क्या उसमें क्या होगा, सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है कि फ्लोर एरोबिक्स में ज़्यादातर लो इंटेंसिटी वर्कआउट होता है। कॉन्टिन्यूस मेथड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, इंटेंसिटी आप लो ही रखेंगे कॉन्टिन्यूस मेथड में। फ्लोर एरोबिक्स में आप इंटरवल ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, 20 मिनट का वर्कआउट कराए मीडियम इंटेंसिटी पर या हाई इंटेंसिटी पर, ब्रेक दिया 5 मिनट का, फिर 20 मिनट का वर्कआउट, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड भी हो जाएगा इसमें। आपका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इसमें फ्लोर एरोबिक्स में, फिर फ्लोर भी करा रहे हैं साथ में, फ्लोर पे आप और 3-4 चीज़ें भी करा रहे हैं, आपने किक बॉक्सिंग भी करा दिया, आपने पिलाटी भी करा दिया, और आपने फ्लोर के मूव्स भी करा दिए, तो एक कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग भी बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टेप एरोबिक्स। स्टेप एरोबिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारा का सारा वर्कआउट स्टेप के साथ होगा। यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई जाएगी, जहाँ पर आपने स्टेपर रखे हैं उनकी पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ में, आपकी कहाँ आपकी लोकेशन कहाँ पर है, फॉर्मेशन आपने किस तरीके से बनाया हुआ है स्टेपर्स की और आपके ग्रुप की मिरर कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टेप एरोबिक्स को एग्जीक्यूट करेंगे। सारा सारा मेथड का पार्ट है कैसे आप कराएंगे।
देन अगेन आपका वेट एरोबिक्स, वेट एरोबिक्स में प्रिंसिपल ऑफ लोड आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो आप रेसिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कार्डियो के साथ साथ आप स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रख रहे हैं तो डंबल्स आप कैरी कर सकते हैं, वेट कैन बी अ डंबल, एडिशनल वेट आपके हाथ में और रिस्ट में आपको वेट कैरी कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। देन उसके बाद है आपका एक्वा एरोबिक्स, एक्वा एरोबिक्स अब जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है तीनों टाइप्स ऑफ एक्टिविटी से। सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या है इसमें कि पूरा का पूरा जो वर्कआउट है वो पूल के अंदर होता है और इंस्ट्रक्टर पूल के बाहर से खड़े होकर आपको इंस्ट्रक्शन देता है। ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आप पानी के अंदर हैं, बाहर से आपको इंस्ट्रक्शन मिल रही है और आपने वो फॉलो करना है, तो सीक्वेंस ऑफ एक्सरसाइज, स्टेप्स कैसे जाना है, कैसे करना है, ये थोड़ा बहुत टेक्निकल होता है और यहाँ पर आपका मेथड बहुत रोल प्ले करता है कि आपने किस तरीके से फ्रेम करा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, कैसे आप उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्या सभी आपको सुन पा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन करेंगे। तो फिलहाल आज का टॉपिक केवल इतना ही था, ग्रुप ट्रेनिंग मेथड हमने करीबन 14 टॉपिक की बात करी है। कम्युनिकेशन और फीडबैक दोनों एक ही हैं, इसको हमने केवल मेथड में कन्वर्ट कर दिया। मेथड जो आपके वो सारा आपका इंटरवल मेथड, आपका कॉन्टिन्यूस मेथड, आपका कॉम्बिनेशन मेथड, ये सारे आपके मेथड्स में आएंगे सारे आपके, इसमें इसमें आपका लीनियर, आपका एड ऑन, ये सारा आपका मेथड है कम्युनिकेशन के बारे को समझाने के लिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेनर की, उसके बिना तो कुछ पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आफ्टर गुड कम्युनिकेशन, क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, फिर वो डेमोस्ट्रेशन भी दे सकता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड का पार्ट है। तो ये सारे मेथड आपके ग्रुप ट्रेनिंग मेथड यही आएंगे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कोई भी 10 मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा इसका। अगर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन ट्रेनिंग मेथड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन, तो आप 7 या 8 मेथड लिखकर आप 5 या 6 फॉर्मेशन बना सकते हैं और मेथड भी आप ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। किसी को कोई भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे चैट बॉक्स में आप मुझे अपना क्वेश्चन या अपना जो डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।